तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा सर्वर चल रहा था, हम 15 दिन के सर्वर में इस बार गए थे। और इस बार मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ ज़्यादा रूम लूटिंग ही करेंगे, इस बार फार्मिंग पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार हम कमी बेस पे रेड करेंगे। तो इसलिए काफ़ी समय था हमारे पास में, तो थोड़ी बहुत हमने रूम लूटिंग की। और उसके बाद में मतलब मेघ भाई के सर्वर में मैं खेलने चला गया, जो कि ब्लेडी सर्वर था। अब दोस्तों देखो कि मतलब मेक भाई का जो सर्वर था ना, वो टोटल 5 दिन का बचा था, तब इन्होंने मुझे बताया, तो इसलिए मैं खेलने चला गया। क्योंकि यार देखो कि मतलब मैंने सोचा कि 5 दिन इस सर्वर में खेल लेंगे और उसके बाद में वापस दोबारा हम हमारे सर्वर में चल चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद में फार्मिंग थोड़ी बहुत कर लेंगे, ताकि बॉम्ब भी बना लें थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत फिर रूम लूटिंग और कर लेंगे। अब दोस्तों देखो कि मतलब मेघ भाई का जो सर्वर था ना, ये ब्लेडी सर्वर था, तो इसलिए इसमें बेच भी मिल सकती थी मुझे, तो इसलिए भी मैं गया था। यार मेघ भाई और जेड बिश भाई ने कहा था कि यार अगर बेच मिल जाएगी तुम्हें एक तो अच्छी बात होगी, तो इसलिए आ जाओ खेलने। तो यार मतलब फ़ायदा था मेरा, इसलिए मैं चला गया खेलने के लिए। तो दोस्तों जब मैं मेघ भाई और जेड बिश भाई के सर्वर में गया ना, तो तब मैंने जंप किया, तब फिर उसके बाद मेघ भाई ने कहा कि चलो अब रूम लूटिंग करने चलते हैं पहले, तो उसके बाद में फार्मिंग में ध्यान देंगे, और उसके बाद में कुछ बेस पे रेड भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने पहले तो देख लिया है कि हम मतलब बैंडिट कैंप को तो लूट के आ ही चुके हैं, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे जेड बिस्ट भाई ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया यार इस गेम में, जो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था यार, तो मैं आप सभी को भी बताता हूँ, वो बात शेयर करता हूँ आप सभी के साथ भी। देखो दोस्तों यार कि मतलब जेड बिस्ट भाई को ये गेम खेलते हुए लगभग 4000 घंटों से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, मतलब इनका टोटल गेमिंग टाइम 4000 घंटे से भी ज़्यादा का है। तो इसीलिए यार जितना पुराना प्लेयर होगा उतना ही अच्छा होगा और उतना ही जानता होगा गेम के बारे में, ये तो आप लोग भी समझ सकते हो, तो ये भी इतना ही जानते हैं। तो जब हमने बैंडिट कैंप में रूम लूटिंग की ना, तब हमें हेडमेड मिला, ठीक है ना, मतलब जेड बिस्ट भाई के पास में था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पीजी भाई कभी भी ऐसा मौका है जब आप ब्लेडी सर्वर खेल रहे हो और आपको जैसे कि कोई ऐसा आइटम मिल जाए जिसकी आपको रेसिपी निकालनी है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि मतलब किसी भी गैस स्टेशन पे जाके या फिर किसी भी गैराज में जाके जितना भी आपके पास में सामान हो ना, उसे डिस कर लेना, ताकि आपके पास में थोड़ा आयरन बार हो जाए और इसी के साथ साथ आपके पास में थोड़ा स्पेयर हो जाए। और जो आइटम आपको मिलाना है जिसकी रेसिपी आपको निकालनी है, उसकी रेसिपी वहीं पर ड्राफ्टिंग टेबल लगा के और तुरंत उसकी रेसिपी निकाल लेना, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। क्योंकि यार देखो ब्लेडी सर्वर में अगर कोई किल कर देता है तो सारा सामान वहीं पर छूट जाता है, मतलब सारी लूट छूट जाती है, तो उससे अच्छा यही होगा कि पहले ही हम रेसिपी निकाल लें कि रेसिपी तो अपने पास में रहे। अब दोस्तों सच में मतलब जेड बिस्ट भाई ने जो आइडिया मुझे दिया ना, वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा यार। क्योंकि देखो जब हम ब्लेडी सर्वर खेलते हैं तो उसमें अगर कोई बंदा हमें किल करता है तो सारी लूट वहीं पे ही रह जाती है और उस बंदे को मिल जाती है, तो इससे अच्छा ये होगा ना कि हम यार पहले ही उस चीज़ की रेसिपी बना लें जिसका हमें लगता है कि हमें घर जाके भी उसकी रेसिपी बनानी है। तो जितना जल्दी हम रेसिपी बनाएंगे तो रेसिपी तो कम से कम हमारे पास में रहेगी यार। तो यहाँ पे जेड बिस्ट भाई ने फिलहाल एक तो हेडमेड की रेसिपी निकाली थी और इसी के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या कि वो रेसिपी निकाल रहे थे यार। चलो तो अभी थोड़ी देर हम लोग रुकते हैं, उसके बाद में हम आगे और भी रूम लूटिंग करने चलेंगे। तो दोस्तों अब हम तीनों आ चुके हैं बॉम्ब शेल्टर में और यहाँ पे अभी सिर्फ रूम खोलना बाकी है। तो जेड बिस्ट भाई गए हैं वायर डालने जनरेटर में और यहाँ पे हम दोनों आ चुके हैं, मतलब मेक भाई और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इस रूम को लूटने के लिए, ओके। तो चलो सारे लूट उठा लेते हैं हम पहले। तो दोस्तों बॉम्ब शेल्टर को लूटने के बाद में हमने ये सोचा कि मतलब अब हार्बर जाएंगे, मेघ भाई ने बताया कि अब हार्बर चलते हैं उसको लूटते हैं। लेकिन यार मतलब हम लोग वहाँ पे जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ पे दो बंदे मिल गए थे, जेड बिस्ट भाई और मेघ भाई को। तो यार मतलब हमें तो फाइट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही मेघ भाई और जेड बिस्ट भाई ने दोनों बंदों को यार मतलब सिमटा दिया, मैं क्या बताऊँ यार, इतनी स्पीड से यार ख़त्म कर दिया दोनों बंदों को। तो दोस्तों ये जो दोनों बंदे थे ना, इन्होंने मतलब हार्बर को पहले ही लूट लिया था, तो इसलिए इनके पास में हमें काफ़ी सारी लूट मिली और उसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर डिस किया और फिर हम लोग पहुँचे हमारे मेन बेस पर। तो दोस्तों मेन बेस पे पहुँचने के बाद में मैं मतलब बाहर थोड़ी बहुत फार्मिंग कर ही रहा था बेस के, तभी यार जेड बिस्ट भाई ने बताया कि मतलब यार यहाँ पे पास में 3-4 बंदों को यार किल किया है हमने, तो उनकी लूट उठाने चल चलो पीजी भाई, क्योंकि हमारे भी बैग फुल हो गए। तो यार यहाँ पे मैं लूट उठाने आया था, फिलहाल आप लोग देख लो यार बंदों को किल किए हैं ये लोग, तो इनके पास में बंदों के पास में कितनी सारी लूट थी देखो। तो मतलब यार ये बंदे जो है ना जिनको किल किया गया है, इनके पास में मतलब फार्मिंग का भी कुछ आइटम मिला है ये देखो। तो चलो यार वैसे मैंने लूट उठा लिया, अब उधर की साइड में भी अभी तक पेटियां पड़ी हुई है तो उनमें भी लूट होगी, तो वो भी मैं एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल है, ओके, तो मैंने कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे भी देखो यार बंदों के पास में मतलब
तो यार सारी जितनी भी लूट थी ना वो मैंने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग मतलब मैं वापस चला जाऊंगा हमारे मेन बेस पे, तो यहाँ पे एक बार मैं इस पेटी में भी देख लेता हूँ यार कुछ ज़रूरी लूट तो नहीं है। ओके तो यार काफ़ी सारी वुड मिल गई है, नेटल मिल गई है, सल्फर मिल गई है, तो ये सारी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। अब दोस्तों देखो कि मतलब ब्लेडी सर्वर में एक बात होती है यार, ये रैंक की तरह नहीं होता है। ब्लेडी सर्वर और रैंक सर्वर में काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि रैंक सर्वर में अगर आपको कोई किल भी कर देगा ना तो आपकी सारी लूट नहीं छूटेगी, ठीक है ना। कोई मतलब कुछ लूट छूट जाएगी और कुछ आपके बैग में रह जाएगी, जैसे कि स्पेयर कभी भी नहीं छूटते रैंक सर्वर में। लेकिन ब्लेडी सर्वर में मतलब जितना भी आइटम आपके बैग में रहेगा ना वो सारा का सारा छूट जाएगा। तो इसलिए यार मतलब ब्लेडी सर्वर में हम कहीं पर भी हो ना तो हमें फटाफट से अपने बेस में आना पड़ता है। जैसे कि समझ लीजिए हम लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी फार्मिंग ही हम लोगों को करनी चाहिए, उसके बाद में वो सारी की सारी बेस में रखो और दोबारा फार्मिंग करने चले जाओ। क्योंकि यार अगर एक साथ फार्मिंग करेंगे जैसे कि 20-30 हज़ार हम सल्फर कर लेंगे और अगर किसी भी बंदे ने आके किल कर दिया तो फिर उसके बाद उस बंदे का काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और हमारे बैग में कुछ भी नहीं बचेगा जब हम दोबारा रिस्पॉन होंगे अपने बेस में। तो इसीलिए मैंने तो ब्लेडी सर्वर में यही देखा कि यार बाहर जितना हो सके ना कम ही रुको, और अगर फिर भी रुकना है आपको कोई रूम लूटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो यार मतलब कि अपने टीम के साथियों को जितना हो सके, जितने टीममेट रहेंगे साथ में उतना अच्छा रहेगा। और समझ लो अगर आप लोग फार्मिंग ही कर रहे हो तो फार्मिंग करने में तो कुछ ऐसा है कि मतलब यार आप अकेले फार्मिंग कर सकते हो लेकिन ज़्यादा बेस से दूर जाओगे तो यार मैं बता रहा हूँ सच में यार मतलब कोई भी बंदा आ सकता है, क्योंकि ये रैंक सर्वर नहीं है सच में। चलो तो यार ये देख लो मतलब जेड बिस्ट भाई और मेघ भाई का जो बेस है ना वो कुछ ऐसा है, अंदर से पूरा का पूरा स्टील से अपग्रेड है ये देख लो। और यहाँ पे काफ़ी सारे डोर लगे हुए हैं यार वैसे तो, और अभी मैं थोड़ा बहुत बेस आपको और दिखा देता हूँ। अंदर से तो दिखा ही चुका हूँ, कुछ लार्ज स्टोरेज है सब कुछ लगे हुए हैं अंदर। और अभी इधर की साइड में देख लो यहाँ पे भी लार्ज स्टोरेज है। ओके तो अपने पास में काफ़ी सारे लूट है अभी जो हम मतलब उन बंदों के लेकर आए, तो इस लूट को डाल देता हूँ मैं यहाँ पर लार्ज स्टोरेज में। यह पूरा का पूरा खाली है जो जेड बिस्ट भाई ने अभी अभी लगाया है। तो दोस्तों देखो कि मतलब पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना बैग पहले तो पूरी तरह से खाली करूंगा, उसके बाद में मैं जाऊंगा सीधा शॉटगन लेके और शॉटगन के एमओ लेके बाहर फार्मिंग करने, ठीक है। तो दोस्तों मतलब बेस पे आके और फिर सारी रूम लूटिंग करके और सारा सामान मैंने रख दिया था लार्ज स्टोरेज में, और उसके बाद में मैं नाइट में मतलब काफ़ी देर फार्मिंग भी किया था, और उसके बाद में हम सभी ऑफलाइन हो गए। और फिर जब अगले दिन मैं दोबारा ऑनलाइन आया ना, लगभग दिन में 1 बजे मैं ऑनलाइन आया, तब मुझे पता चला कि यार हमारा बेस रेड हो चुका है और जो रेड करने वाले थे ना यार वो हैकर थे। तो ये बात मुझे मेघ भाई और जेड बिस्ट भाई ने बताई कि मतलब यार हैकर आए थे बेस पे रेड करने के लिए और मतलब हम लोग सभी ऑफलाइन थे इसी वजह से रेड हो गई। तो अभी मतलब दोबारा जेड बिस्ट भाई ने अपना बेस बना भी लिया, ये देख लो अगले दिन दोबारा बेस बन चुका है। और मतलब कि यार इस बार डिज़ाइन कुछ अलग है बेस का, और देख लो मतलब कितना अपग्रेड भी कर दिया है जेड बिस्ट भाई ने बेस को। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने मुझे एक 4x स्कोप दिया था बना के, और इसी के साथ साथ एक 8x स्कोप दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि पीजी भाई कभी आपने 8x स्कोप यूज़ किया है, तो मैंने कहा नहीं आज तक मैंने तो नहीं किया, और वैसे भी हमने तो मतलब कभी आज तक बनाया नहीं यार। वैसे भी मेरे जो 8x स्कोप है उस पर तो लॉक है, मैं सीधी सी बात आपको बताऊँ तो यार जेड बिस्ट भाई ने मुझे 8x स्कोप दिया, और सच में यार 8x स्कोप कितना कमाल का होता है आप लोग भी देख लो यार आज। मतलब यार इन्होंने बना के इसीलिए दिया था मुझे ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं यार, क्योंकि काफ़ी लोगों के अभी तक लो के होगा 8x स्कोप, ये तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर के रहता है ओपन। दोस्तों ये बात बिल्कुल मत सोचना कि जो कल वाला बेस था ना ये वही बेस है, ये वही बेस नहीं है बिल्कुल भी। ये देख लो मतलब उसमें सिंगल डोर थे हर जगह, और इसमें देख लो हर जगह डबल डोर है। ओके तो इससे आप लोग समझ गए होंगे ये दूसरा वाला बेस है। इसके बाद में मैं बाद में बाहर से भी आप सभी को ये बेस दिखा दूंगा, जैसे कि कल वाला बेस तो मैंने बाहर से आप सभी को दिखाया ही था, अब ये वाला बेस भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको कि ये बेस कैसा है, ठीक है। तो वो बेस कुछ हल्का दिखाई दे रहा था मुझे है ना, मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं था, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिखाई दे रहा है यार। इस पे रेड होना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जेड बिस्ट भाई को भी पता चल गया कि यार हैकर है सर्वर में और उन्होंने रेड किए, तो इसलिए जेड बिस्ट भाई ने इस बार ऐसा बेस बनाया है कि इस पर रेड होना काफ़ी मुश्किल है। तो देख लो कि मतलब हर तरफ यार यहाँ पर डबल डोर है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब यार मैं आखिर मतलब ये पासवर्ड डाल के और करना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं यार मैं जाना चाह रहा हूँ ऊपर की साइड में ताकि आपको जो ये 8x स्कोप है ना उसकी पावर दिखाऊं कि मतलब कितना अच्छा रहता है 8x स्कोप यार। तो ये देख लो मतलब अपना जो बेस है ना ये इस बार बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है। तो अभी मैं मतलब अभी आया ही तो हूँ मैं दिन में 1 बजे इस बेस में, तो इसलिए मैं हर जगह पासवर्ड डाल रहा हूँ सभी डोर पर।
दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि मतलब नए बेस में हम लोग जब भी जाते हैं तो यार पहले पासवर्ड डाल लेने चाहिए सभी डोर में, ताकि यार बाद में कोई दिक्कत नहीं हो फटाफट डोर ओपन करने में। तो यहाँ पे मैं एक बार डोर ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एटेक्स की पावर। इधर तो दिखाई दिया, अब यहाँ से देखना कितना पास में हो जाएगा यार। सच में एटेक्स स्कोप यार काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब दोस्तों आप लोग खुद ही सोचो कि अगर सामने कोई बंदा होता अभी, तो स्नाइपर से सीधा डायरेक्ट एक ही शॉट लगता है उसके, और सीधा डायरेक्ट बंदा नॉक होता यार। तो दोस्तों देख लो कि मतलब एटेक्स का पावर कितना खतरनाक है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि एटेक्स स्कोप जितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको काम में लेना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी है। मुझे जेडबिस्ट भाई ने बताया कि मतलब यार रहता तो एटेक्स स्कोप काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको मतलब काम में लेना सभी बंदों के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आप सभी को ये बात बता भी देता हूँ, जैसे कि आपने कभी रेड डॉट लगा के और मतलब किसी बंदे को किल किया होगा, तो मतलब आपका एम एक जगह रुका हुआ होगा, लेकिन वहीं पे आपने मतलब फोरेक्स लगाया होगा तो थोड़ा एम और ज़्यादा हिला होगा। अब वहीं पे आप लोग सोचो कि यार अगर एटेक्स स्कोप लगाएंगे तो कितना ज़्यादा अपना एम हिलेगा, ये तो आप लोग भी खुद भी समझ सकते हो। तो इसीलिए यार एटेक्स स्कोप को संभाल पाना सभी लोगों के बस की बात नहीं रहती। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, अगर एटेक्स स्कोप लगा के आपने अपना एम एक जगह रखना सीख लिया ना, तो फिर समझ लेना यार मतलब कि आप काफ़ी अच्छा खेलना सीख जाओगे एटेक्स स्कोप के साथ में। तो दोस्तों पहले वाला बेस तो आपने देख ही लिया था है ना, और दूसरा वाला बेस जो जेडबिस्ट भाई का बनाया हुआ है वो ये है। तो इसको कितना ज़्यादा अपग्रेड भी कर दिया है जेडबिस्ट भाई ने, और इस बार डिज़ाइन कुछ अलग बनाया है, डबल डोर भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के दिन में जो मैंने फार्मिंग की ना, वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये देख लो मतलब ये फार्मिंग की है मैंने, लगभग 1 बजे से शुरू की थी फार्मिंग करना, और लगभग 3-3.5 बजे तक मैंने फार्मिंग की है टोटल। और अपने बैग मतलब पूरा फुल हो गया है मतलब आयरन और सल्फर से, ठीक है। तो ये फार्मिंग थी मेरी जो मैंने मतलब यार लाला के लार्ज स्टोरेज में डाल दी थी, और पूरी की पूरी मैंने मतलब दोबारा कलेक्ट करके आप सभी लोगों को दिखाई है। तो दोस्तों आपके भाई की फार्मिंग कैसी थी एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना यार आप लोग। अब दोस्तों देखो मतलब जो कल वाला बेस था ना, वो उस बेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें यार गन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हमारे पास में, लेकिन आज वाला जो बेस है ना, इसमें अभी तक गन हमारे पास में कुछ ज़्यादा नहीं है यार, क्योंकि आज तो सुबह जेडबिस्ट भाई ने बेस बनाया है, अब वो अपग्रेड भी कर रहे हैं। वैसे हम उनका साथ दे रहे हैं यार, थोड़ा मतलब फार्मिंग करके बेस जितना जल्दी अपग्रेड हो जाए उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी और भी हमारे जो टीममेट है वो भी फार्मिंग कर रहे हैं यार। तो दोस्तों आज मतलब हमने ये सोचा है कि आज पूरी रात हम लोग ऑनलाइन रहेंगे, कल के जैसे अगर कोई बंदा रेड करने रात को आएगा तो ध्यान रखेंगे यार, क्योंकि कल रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में रेड हुई थी, तो इसलिए आज भी वो बंदे शायद तभी आएंगे। वैसे वो हैकर से यार वो तो रेड मतलब करेंगे तो यार करके ही जाएंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। वैसे फ़िलहाल हम फिर भी ऑनलाइन तो रहेंगे यार। तो दोस्तों रात को मतलब सारे के सारे हमारे जितने भी टीममेट थे ना, वो सभी ऑफलाइन हो गए, सिर्फ 2 बंदे ऑनलाइन रह गए हम, मतलब एक तो मेगी भाई और एक मैं। तो इसीलिए मतलब मैंने यार हमारे सभी टीममेट को काफ़ी कॉल किया, बुलाया उन सभी को, लेकिन कोई भी ऑनलाइन नहीं आया यार, सब सो गए थे यार मतलब। तो इसलिए लास्ट में हमारा ये वाला बेस भी यार रेड हो गया, क्योंकि यार देखो मतलब हैकर्स के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते थे यार, और दूसरी बात हमारे पास में टोटल गन मतलब 4-5 ही थी। तो इसलिए यार कितना के लड़ते हम लोग, तो ये देख लो मतलब यार एक बंदे को तो मैंने किल कर दिया था यहाँ पे, लेकिन इसके और भी काफ़ी सारे साथी थे यार, मतलब 5-6 बंदे रेड करने आए थे बेस पे। तो दोस्तों 2 बार हमने इस सर्वर में बेस बनाया और दोनों बार रेड हो गया, और रेड करने वाले वही बंदे आए जो हैकर है, तो इसलिए बाद में हमने ये सर्वर ही छोड़ दिया यार। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे 500 लाइक का एम रखा है मैंने, और जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।